हेलो स्वीट हार्ट। हेलो पांजा जी कल से पांजा जी। ओ या दिस इज गुटका डिजीज। नी हो थैंक यू के हम संग विदा। बोलो इसके आगे आयोंग हासियो योराबुन लव यू टू। वो तो सारांगे होता है। अरे चौदह से हो। अब मेरी टीम में कौन कौन खेलेंगे? होमी, पांडा और बिहारी। तो गाइस आपको पता ही है। अब देखो मैंने अच्छी टीम के साथ हैशटैग चिकन एक तरह से ऑलमोस्ट कर ही दिया, पर अब टीम बदल चुकी है, तो अब मुझे कोई भाई को कोई छू भी नहीं सकता। ये मेरा ड्रेस तो देखो कितना मस्त है। क्या पहन रखा है? पर्दा वर्दा फाड़ के जलता कैसा है ये देखो। क्या पर्दा ही लग रहा है मुझे तो सुना। ये पेड़ के पत्ते वत्ते फाड़ फूड के पहना लग तो मैं रहा हूँ एकदम ऐसा। देख रहा हूँ, दिखाऊं आपको? मूव दिखाता हूँ, मूव देखो, मूव ये देखो। हैया लग रहा ना पूरा चाइनीज लेंडी। ये इमोट की आवाज है। पंखे लो ले। मैं क्या कह रही थी ना, अगर ओमी मैम को आने में टाइम है तो हम लोग एक स्टेडियम खेल लेते हैं। अब तुम बताओगी मुझे स्टेडियम? अरे चुप पे लगाओ, गलत नहीं बोल सकते पांडा। पांडा जी आप तो कभी गलत हो ही नहीं सकते। ये जो आशी हासी अबे चुप कर। ओ मार दिया, ए हम मार दिए। चाइनीज कीड़ा कब से घुसा था सचिन भाई? जब से चाइनीज वाले के साथ मैंने देखा वो रात अपन 2 बजे तक किया। अरे घर में अब एक ही नाम एक ही नारा। भारत का बच्चा बच्चा। मैं अच्छे से गा रही थी लेकिन मेरी अपनी सुर मैं अच्छे से गा रही थी ले ओ। इसमें भी चाइनीज सॉन्ग घुसा दो, हिंदुस्तानी गाने को भी। पांडा एक बार कर दो जोर से। एक भाग गया अपना दोनों को। अरे पांडा जी प्लीज रुको यार, आप खुद देखो ना मैं गेम प्ले निकाल रहा था इतना बढ़िया। इसमें क्या गेम यार, क्या रे लेट टूट जा रहे यार। पांडा जी 2 मिनट रुको ना, 1 मिनट प्लीज यार, इतना पैनिक चल। हरवा दिया यार, हरवा दिया पांडा ने। इट्स ओके सच्चे, हम तो यही करने आते हैं ना। आए और गए, खेल खत्म। पांडा जी रुको प्लीज, मत आप मरना मत, मैं कर लूंगा, मैं रिकवर कर लूंगा। कोई मरना मत, बस कोई मरना मत। मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, मेरे पे छोड़ दो। बस भी छोड़ दो बस। अरे एक मरो मत, आगे मत जाओ बे। कोई नहीं मर रहा। ताले बोला था मैं मार दूंगा। ये कौन है ये गूस वाला रैंडम? पांडा मैं मर गया। अच्छा पांडा नहीं था, अच्छा ये रैंडम तो था ही नहीं, वो आप ठीक है। सॉरी मुझे लगा वो बराबर है। नहीं। अरे आप, अरे मुझे लगा कोई रैंडम आया था। अरे YouTube से कितना कमाते हो महीने का? 150 रुपया। 2-3 लाख। अगर 2-3 लाख कमा रहा होता ना तो मेरा एटीट्यूड पता क्या रहता है? ये निकलो निकलो यहाँ से। अब समझ आया, अगर मेरे 2-3 लाख मेरी अगर महीने की कमाई तो क्या करता मैं? मुझे क्या, मुझे निकाला क्यों था? मेरा तो मेरा रुतबा रहता ना, अगर मैं एक दो मैं इतना कमा रहा होता तो फिर समझ रहे हो ना आप। ये जो एटीट्यूड है ना सचिन, आपके गांड में डाल देते अगर यही एटीट्यूड होता तो। यार आपको लगता है, अच्छा आपको लगता है पांडा जी मैं एटीट्यूड वाला नहीं हो तो? नहीं, अगर आ गया तो अपनी गांड को भी संभाल के रखना। आना होता तो क्या अभी 7 लाख में एटीट्यूड झेल पाए? 7 लाख पे नहीं आता था। सचिन भाई यार कितना कमाते हो? भाई मैं सच्ची में नहीं कमाता यार मेरे भाई, यहाँ से इस चैनल से सुपर चैट जो आप लोग थोड़ा बहुत डोनेशन दे देते हो वो मैं रख लेता हूँ लिटरली। पहले क्या करता था मैं कि मेरे सेकंड चैनल का इनकम आता तो मैं इसको चैरिटी में दे देता था। अब मैं इतना भिखारी बन चुका हूँ कि मेरे को खुद जरूरत पड़ती है उस पैसों की, मुझे चैरिटी की जरूरत है। मैं
मेरा भाई एक दिन मुझे एक चीज पे बोल रहा था यार एक टाइम पे तू कितने तूने पैसे उसमें लगा दिए होते ना चैरिटी वैरिटी बोलते अब देखो खुद भिखारी बनके दो हंसी भी आई है सही में यार बात तो सही है उतने पैसे मैंने सेव किए होते हैं पर छोड़ो वो अलग बात है यार वो तो ब्लेसिंग वाली चीज पर हंसी भी आती है सोच सोच के पहले लोग ऑडियंस की कमाई में डाल देता था उधर अब खुद के लिए रख रहा हूँ मैं उसको दिल से दिल ही तो तोड़ा है कोई तो गन दे दो भाई मेरे बना रहे हो अभी खाना अरे अरे मेरे को बोलो कि ऐड कर रहे हो आप सच्ची बात थोड़ा सा भरा है क्या चॉकलेट क्या आया है क्या भरा है मतलब भरा है क्या मतलब मेरे पाप का गांड मरवानी है क्या यार मैं ना नहीं करता पता मैं ना वैसे मैं अगर मैं ऐसा कंटेंट क्रिएटर नहीं होता ना तो मैं बहुत आराम से खेलता अरे आप कहाँ से हो आप ये करते हो क्या करते हो ऐसा जब से मैं क्रिएटर बना ना मेरे अंदर एक कीड़ा है कि जब तक मैं कुछ सुन ना लूँ ना या कंटेंट ना निकलवा लूँ सामने वाले से नहीं कहते सचिन कीड़ा तो छोटा सा होता है आपके इसमें तो गेंडा है गेंडा सांप से भी बड़ा कुछ नहीं यार पांडा जी मेरा काम ओमी तो समझती है ना तुम्हें क्या लगता है मैं उसको जबरदस्ती थोड़ा ट्रोल करता हूँ मुझे पता है कि क्या अब करना जरूरी है ये तो बस हो गया वो तो मीठी सारी बातें हो गई वाली एक्सक्यूज हो गई एक्सक्यूज अच्छा ओमी तुम्हें लगता है ऐसा लगता है मतलब तुम्हें तो पता ही है ना मैं ये सब कुछ कंटेंट के लिए करता हूँ सब कुछ चलो हाँ बोल दिया उन्होंने एक आदमी समझदार है ना वो ये तो कुछ दो पापी साले ऐसे हैं यहाँ पे बिहारी सर और बिहारी सर ना दोनों बिहारी 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 मैं तो हो ही नहीं सकती तू चुड़ैल है चुड़ैल सही बात पांडा वो नहीं हंसी हंसना वो था ना एक दया मैंने खतरनाक तरीके से दया नहीं हंसती वो खतरनाक करके ऐसे करके जो उस वाले एपिसोड में है जिसमें वो थी वो समझ गया मुझे वो इतनी बड़ी ब्लैक कलर की टिकली लगा के हाँ बड़ी सी बिंदी लगा हुआ मेरे सर्जरी पे लगाते हैं बहुत पहले एडिट करते हैं बहुत मेरे हंसे भी कितनी बार लगा ये गिना है आपने कभी नहीं डिजर्व करती हो आप पे तो अच्छा सूट होता है थोड़ी सी शर्म आएगी सुन लेना एक बार अच्छा मैंने अपने ऊपर इतनी बार मीम लगाया उसका नहीं देखा आपने तो वो भी देख के शर्मा लिया करो थोड़ा सा नहीं यार मेरा काम है अपनी ऑडियंस को खुश रखना क्या अब तो बस ज्योति ज्योति अरे बस आदि भाई अगर ज्योति जी ने बोल दिया कि उनका कोई बॉयफ्रेंड है तब क्या होगा तुम्हारा हाँ अब तुम भी हाँ भाई हो सकता है क्यों नहीं हो सकता है एक बार बताओ अरे होगा होगा यार होगा तो बताना मत यार बताना मत क्या मतलब है भाई होगा ही होगा भाई आज के टाइम में कौन सिंगल बचा है राहुल जैसे लोग हैं पर तो सचिन भी सिंगल नहीं है आपका मैं सिंगल नहीं हूँ फिर आप तो सचिन मुझे क्यों इन्वॉल्व करते हैं नहीं है नहीं है ये सिंगल नहीं है मैं बता रही हूँ ना ये इसलिए तो सिर्फ बिहारी सर का नाम नहीं है अरे मैं सिंगल यार देखो मैं सिंगल वाली कैटेगरी में इसलिए नहीं आता ना लौड़ा नहीं आता चैटर लड़कियां जो है वो लाइन देती रहे ना वाह क्या मुस्कुराहट है फिर ऐसे तो भाई मैं भी सिंगल नहीं हूँ ओह तू मुझे मत जोड़ अपने आप से ठीक है तू साले अलग है तू हर जगह मुंह मारता है मैंने कभी नहीं किया मुझे मत बता साले जितना मुझे इंस्टा पे आया मेरे लड़कियों के मैसेजेस उतने अगर राहुल तुझे आते ना कितने तो कितनों का ब्रेकअप हो चुके थे तेरे अब तक लग बच्चे घूम रहे होते तेरे यार बहुत सारे इधर उधर इधर उधर अच्छा अगर तेरे को कोई लड़की बुलाए राहुल डेट के लिए तो तू क्या करेगा जाएगा मेरे को जाना पड़ेगा जा चुका हूँ जा चुका है तू डेट पे क्या मार सच्ची में तो पता ही होगा अच्छा वो वाला क्या पर वो डेट थोड़ा बताया था वो तो डेट यार बुरा बनता जा रहा हूँ बात तो सही है मुझे हक नहीं यार किसी को ऐसे अबे सालो तो मुझे लगा अबे एक बात बताओ सुनो सुनो एक मुझे एक चीज आनी है वो यहाँ से गाड़ी ऐसे घुमा के वहां क्यों ले गए जब हमें ऊपर ही जाना था क्योंकि अपनी गाड़ी टर्न होती है ना टर्न भी होती है अपनी गाड़ी खत्म लोगों जब देखो ऐसे टर्न होती है क्या कर रही हो पांडा जी यार ये तो चक्कर है अरे पांडा है किसी और पता है आप लोग को मेरे ने मन करा आपका गला दबा दूं आपका नहीं मतलब इसका का अरे क्या कर रही हो पांडा देखो चक्कर आ रहा है क्या गर 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 देखो चक्कर आ गए थी अरे बैठो ना रुको आएगा रुको आने वाला तब तक घूमते हैं ना अपन अपने गाड़ी में बैठो ना घुमाओ घूमर 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 अरे कहां इधर आ रहे हो क्या कर रहे हो
मुझे सही में चक्कर आने लग रहे हैं। मैं तो बावड़ी हुई। साथ में हम सारे हैं बड़े वाले ना। सचिन भाई तेरी दुनिया में कोई गम ना हो, तेरी खुशियाँ कभी कम ना हो, भगवान तुझे ऐसी आइटम दे जो सनी लियोनी से कम ना हो। अरे ज्यादा नहीं हो गया? कुछ ज्यादा नहीं हो गया? अबे मैं तेरी तो मैं जोन के बाहर चला गया था। चुतिया हूँ मैं कितना बड़ा हूँ यार, मैं चैट पढ़ने नहीं नहीं आज पता चला के नहीं। अरे यार मेरा ये तो बराबर है, मैं आज ही पता चला, पहले से पता है। हमको भी पहले से पता है। चुप हो जाओ। अरे चुप हो जाओ पापियो, चुप हो जाओ। बहुत बड़बड़ कर रहे दोनों तो। अरे मेरे को लेने आ जाओ यार, कोई अगर आ सकता था गाड़ी देके। हाँ और कुछ सचिन लियोनी भी चाहिए इन्हें? अरे नहीं चाहिए मुझे यार, मुझे सचिन में कुछ नहीं चाहिए सबसे। ये तो किसके ख्यालों में उधर चले गए हैं? अरे ये चैट पढ़ने के चक्कर में भगवान बस एक डिसेंट सी कन्या दिला दे। डिसेंट होनी चाहिए, केयर करने आनी चाहिए बस, और समझने वाली होनी चाहिए। काहे चाहिए कन्या? और पता चला खाना वाना तुमसे ही बनवाए? खाना वाना खुद से बनवाए तो थोड़ा थोड़ा हम भी बना लेंगे, पूरा तो नहीं बनाऊंगा, इतना तो नहीं आता। क्यों डिसेंट में काम वाम करने वाले तो आए ही नहीं उसमें? काम वाम तो काम ना बनाए खाना, अगर वो कमाती है तो अच्छा ही है मेरे लिए और अच्छा। कमाने वाले कब बोला है? तो ऑब्वियस तो क्या आपके साथ पूरे दिन घर पे बैठे हैं तो क्या करेंगे? पूरा एक लाइन में सब बोलना चाहिए, क्या क्या चाहिए तो क्वालिटीज आपको? नहीं मतलब मेन क्वालिटी यही होनी चाहिए, फिर बाकी वो कुछ भी करे, वो करती हो तो ठीक, नहीं करती हो तो ठीक। पता चले टिकटॉकर निकले सेंट। ना ना टिकटॉकर नहीं भाई, रीलर। वो रीलर? हाँ वही तो, रीलर। उड़ी की ताकती, उड़ी की ताकता, ये तीन ये करते रहेगी वो। उड़ी की ताकती, उड़ी की ताकता, मेरे बाल बाल खींचते। अरे तेरे छोड़ दे मेरा, सच्ची में भाई वो तो बहुत कर देगी वो आजकल चलता रहता है टिकटॉक पर ट्रेंड। डिसेंट मतलब इतने नहीं यार, डिसेंट मतलब एवरेज यार, डिसेंट ऐसा नहीं कि बहुत ही ज्यादा एवरेज हो। नहीं नहीं आपने मतलब पहले वो जो बोला वही। मुझे ना थोड़ी कन्याओं से ना बचपन से थोड़ा सा डर लगता है कि ये बजान बजान कर देती है, थोड़ा डिसेंट हो, ऐसा ना हो कि शादी के बाद भी डर डर के रहूं मैं, लगे कि मैं भी शेर हूँ यार। शेरा हूँ शेरा। कहाँ से? मैं ढेरा नहीं बनना चाहता यार, पर फिर भी तो काफी बड़े बड़े ऐसे होंगे, एक भी बुरे नहीं। चुप रहो पांडा यार, इतनी बुरी हो आप, पता है आपसे किसी की खुशी देखी नहीं जाती ना। नहीं अच्छा नहीं लगता मुझे।